ये देखो फ्रेंड्स, ये मूंग पूरा स्प्राउट हो गए, कितने अच्छे से निकले हैं, बहुत ही बढ़िया है। इसको दो दिन मैंने ओवरनाइट सोक किया था कपड़े में लपेट के, इसको भिगो के साफ करके फिर कपड़े में डाल दिया और दो दिन तक इसको कपड़े में ही बांधा हुआ रहने दिया, तो ये इस तरह से पूरा स्प्राउट एकदम निकल के आया। अभी इस स्प्राउट को हम थोड़ा टेम्परिंग देंगे हल्का सा, और ये हम नाश्ते के लिए अच्छे से पीस पाएंगे। गाइस, हम इसे फ्राई करना स्टार्ट करेंगे, टेम्परिंग देंगे। ये हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, अभी से हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे जीरा, जैसे ये पॉपअप करेगा तो उसमें हम डालेंगे स्प्राउट। स्प्राउट को कच्चा तो नहीं खाना चाहिए, हल्का सा हम इसे सौते करेंगे। हल्दी और नमक, टमाटर हम इसमें नहीं डालेंगे, हम उसे कच्चे में डाल के खाएंगे। प्याज में इसमें हल्का सा सौते करूँगा, हल्का सा इसमें डालूँगा, थोड़ा हल्दी इसमें डालूँगा, नमक स्वाद अनुसार, ये ऑनियन इसमें मैं डाल दूंगा। ये स्प्राउट में आप कच्चे ऑनियन डाल के खाएंगे, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। इसको हम थोड़ा सा इसके लिए ऑनियन को पकाएंगे, कि बहुत बार ऐसा होता है कि कच्चा ऑनियन सुबह सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खाने के लिए सब अवॉइड करते हैं, अच्छी स्मेल नहीं आती है उसके वजह से। तो वैसे थोड़ा सा अगर सोते कर लेंगे तो वो स्मेल उसे उतनी नहीं आती है। ये डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और एक स्पून धनिया पाउडर, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया स्प्राउट के साथ में, अभी हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी। इसे हम अच्छे से मिक्स करके थोड़ा ढक्कन दे देंगे 5 मिनट के लिए, तो ये सारा पानी अपना सोख हो जाएगा और स्प्राउट भी अच्छे से पक जाएंगे। इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे। यह अपना विम स्प्राउट हो गया, अभी ढक्कन खोल के चेक करें, ये एकदम बढ़िया से पक चुके हैं, आधा कच्चा आधा पक्का एकदम सही है। इसे हम पूरी तरह से नहीं पकाएंगे, 50% ही पकाएंगे इसे, 40-50%। अभी इसमें अभी मैं गैस को बंद कर देता हूँ, ये अभी अपने खाने के लिए रेडी हो गया। तो अभी मैं इसमें डालूँगा अजवाइन, अजवाइन को थोड़ा क्रश करके डालेंगे, इससे क्या है अपने को अजवाइन वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं अपने, और पेट में किसी को दर्द हो तो उससे भी अजवाइन से अपने को बहुत राहत मिलती है। ये लेमन जूस, ये अभी इसमें हम डाल देंगे। मूंग में लेमन का बहुत ही अच्छा रोल है, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। और अपने पास ये है टमाटर, ये भी मैं इसमें मिक्स कर देता हूँ। टमाटर पकने के बाद एकदम गल जाते हैं, तो क्या है अपने को खाने में उतना मज़ा नहीं आता। अभी फ्रेंड्स, इसे अभी हम खा के देखेंगे कैसा लग रहा है टेस्ट वाइज।
ये अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप ये लें तो ये बहुत ही बढ़िया रहता है, इसमें बहुत ही प्रोटीन मिलते हैं। हॉस्पिटल में भी लोग जब एडमिट होते हैं तो डॉक्टर्स डाइटिशियंस उनको सलाह देते हैं कि आप मूंग की सब्ज़ी खाओ, मूंग पानी पियो। आपने हमेशा ऑब्जर्व किया ये मूंग पानी क्यों देते हैं? मूंग पानी इसके लिए देते हैं कि इसमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, बहुत ताकत मिलता है इसमें। तो फ्रेंड्स आप ये ब्रेकफास्ट में कभी ट्राई करके देखें कि किस तरह लगता है ये। देखो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी डिश है ये आपके खाने ब्रेकफास्ट के लिए।